एक ऐसी टीम जिसे ऑन पेपर सबसे कमजोर टीम बताया गया था, एक ऐसी टीम जिसके कॉम्बिनेशन को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स उसका मजाक बना रहे थे, एक ऐसी टीम जिसमें ऐसे प्लेयर्स की भरमार थी जिनका T20 करियर ढलान पर था। ऊपर से ना ही इस टीम के पास कोई ऐसा प्लेयर था जो टीम की कप्तानी कर सके। उसी टीम ने 2022 में ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि आने वाली कई टीम्स के लिए ना सिर्फ मिसाल बनकर उभरी, बल्कि ये टीम T20 की एक ऐसी टीम बन गई जिसे अब तक की सबसे खतरनाक टीम कहा जाने लगा। ये टीम कोई और नहीं बल्कि 2022 के IPL में पहली बार खेलने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम थी। September 21, BCCI ने यह अनाउंस किया कि वो अब IPL में दो और नई टीम को जोड़ने वाले हैं, और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 को यह तय हो गया कि 2022 के IPL में लखनऊ और अहमदाबाद की टीम भी हिस्सा लेंगी। जहां लखनऊ को RPSG ने 7,090 करोड़ में खरीदा, वहीं अहमदाबाद को CVC कैपिटल ने 5,625 करोड़ में खरीदा था। और जब ऑक्शन में प्लेयर खरीदने की बारी आई तो लखनऊ के मुकाबले गुजरात ऑन पेपर्स काफ़ी वीक नज़र आ रही थी। टीम ने जहां हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल को अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में करोड़ों रुपए देकर खरीदा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम IPL में सिर्फ पार्टिसिपेट करने आई है, क्योंकि हार्दिक लगातार इंजरीज से जूझ रहे थे। वहीं राशिद खान को हैदराबाद ने रिटेन ही नहीं किया और शुभमन गिल के इंटरनेशनल करियर का अभी आगाज ही हुआ था। वहीं जब ऑक्शन में शामी, साहा, विजय शंकर, तेवतिया और जयंत यादव जैसे प्लेयर्स को खरीदा गया तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम बस लीग मैचेस ही खेलेगी। फॉरेन प्लेयर्स के नाम पर इस टीम ने वेड और मिलर जैसे दो ऐसे बैट्समैन को लिया जो सालों से T20 क्रिकेट खेलते तो आ रहे, लेकिन फिर भी अपने लिए उतना बड़ा नाम नहीं बना पाए। और कोचिंग स्टाफ के तौर पर गैरी कर्स्टन को छोड़कर आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी दो ऐसे नाम थे जिन्होंने बस अपने कोचिंग करियर के सफर की शुरुआत की थी। कुल मिलाकर ये लगने लगा था कि ये टीम सच में 2022 की IPL की बेहद कमजोर टीम होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खेल के मैदान में किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, खासकर तब जब खेल का मैदान क्रिकेट का हो। पेपर्स पर वीक दिखने वाली गुजरात टाइटंस ने शुरुआत बड़े ही धमाकेदार अंदाज से की जब उसने नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। सभी को ये लगा कि शायद गुजरात ने लखनऊ को तुक्के से हरा दिया, लेकिन जब दूसरे मैच में दिल्ली और तीसरे मैच में पंजाब जैसी तगड़ी टीमों को कन्विंसिंग तरीके से हराया तो पूरे क्रिकेटिंग जगत में इस बात का ऐलान हो गया कि इस टीम में, इस खेमे में कुछ तो है। सभी क्रिकेट के जानकार इस टीम को सीरियसली लेने लगे थे। टीम मैच दर मैच अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इस टीम की एक खास बात थी कि ये टीम परफॉर्मेंस के लिए किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं थी। इसका मिसाल हमें तब देखने को मिला जब शुरू के तीनों मैच में अलग अलग प्लेयर्स ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, यानी इस टीम में एक नहीं बल्कि कई मैच विनर थे। गुजरात टाइटंस की टीम को फील्ड पर खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सभी प्लेयर्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। सभी में अच्छा परफॉर्म करने की ईगरनेस थी, वो चाहे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या हो, चाहे राशिद खान या फिर वो मोहम्मद शामी हो, सभी अपने अपने परफॉर्मेंस से अपनी पुरानी टीम और अपने क्रिटिक्स को जवाब देना चाहते थे। जैसे जैसे 2022 का IPL आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गुजरात टाइटंस भी एक के बाद एक बड़ी बड़ी सूरमा टीमों को हराती जा रही थी। लीग के अपने 14 मैचों में गुजरात ने टोटल 14 मैचेस जीता। शुभमन गिल, साहा, वेड और पांड्या के होने से इस टीम का टॉप ऑर्डर तो मजबूत था ही, लोअर ऑर्डर में भी मिलर, तेवतिया और राशिद जैसे तूफानी बल्लेबाज थे जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलते हुए अपनी टीम के लिए मैच विनर बन गए थे। गुजरात के बैटिंग लाइनअप की डेप्थ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि लीग में जीते हुए 10 मैचों में टीम ने 6 बार टारगेट को चेज करते हुए जीत दर्ज की। वहीं इस टीम की बॉलिंग भी किसी से कम नहीं थी। बॉलिंग का जिम्मा शामी और राशिद जैसे अनुभवी गेंदबाज के हाथों में था। जहां शामी ने तेज गेंदबाजी की कमान अपने हाथ में ले रखी थी, तो वहीं इस डिकेड के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान ने स्पिन का जिम्मा संभाला था। अब तक जिस टीम को फिसड्डी माना जा रहा था, उसी टीम ने पॉइंट्स टेबल टॉप कर लिया था। पॉइंट्स टेबल टॉप करते ही गुजरात टाइटंस खिताब की मेन कंटेंडर हो गई थी।
और फाइनल में राजस्थान जैसी मजबूत टीम को बुरी तरह से रौंद कर 2022 आईपीएल की विनर बन गई। देखा जाए तो जिस तरह से हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे थे वो काबिले तारीफ थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हार्दिक सीनियर लेवल पर पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। कप्तान के तौर पर उनमें मैच्योरिटी दिख रही थी। हालांकि जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता गया लोगों को उनमें धोनी की झलक भी दिखने लगी थी। आखिर दिखे भी क्यों ना, आफ्टर ऑल हार्दिक MSD के ही शागिर्द हैं। जिस तरह से धोनी सिचुएशन को एनालाइज करके अपनी प्लान्स बनाते थे, ठीक उसी तरह हार्दिक भी सिचुएशन को अच्छे से समझ के फिर उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। एज ए कैप्टन हार्दिक का ये कहना था कि वो MSD की ही तरह रिलैक्स और कूल एटीट्यूड के साथ कप्तानी करना चाहेंगे। इस काम में हार्दिक सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने सभी प्लेयर्स को एक यूनिट की तरह जोड़कर रखा था। एज ए कैप्टन हार्दिक अपने प्लेयर्स के लिए अप्रोचेबल थे और प्लेयर्स को बैक किया। इसीलिए हमने देखा कि हार्दिक ने अपनी टीम कॉम्बिनेशन में बेवजह के बदलाव भी नहीं किए। अक्सर हमने देखा है कि IPL की टीम्स में कोचिंग स्टाफ के नाम पर भर भर के कोचेज रख दिए जाते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस ने सिर्फ गैरी कस्टन और नेहरा जी को ही खिलाड़ियों का जिम्मा दिया था। इससे फायदा ये हुआ कि प्लेयर्स को मेंटरशिप को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी प्लेयर्स को उनके रोल को लेकर क्लैरिटी थी, उन्हें ऑन फील्ड क्या करना है। 2022 में यूज़ किए गए फार्मूला को गुजरात ने 2023 में भी यूज़ किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बार फिर से इस टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए टेबल टॉपर की जगह लगभग पक्की कर ली है। जिस बेखौफ ब्रांड की क्रिकेट इस वक्त गुजरात खेल रही है, उस हिसाब से अगर ये लगातार दूसरी बार भी खिताब जीत ले तो हम में से किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो गुजरात टाइटंस के आने से मुंबई और CSK जैसे टीमों का डोमिनेंस कम हुआ है। गुजरात टाइटंस की टीम हम सब के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह बड़ी बड़ी टीमों के बीच होने के बावजूद भी अपना नाम बनाया जा सकता है और उन्हीं बड़ी टीमों को हराकर उनसे खिताब छीना जा सकता है। तो आप में से किन लोगों को लगता है कि इस बार फिर से गुजरात टाइटंस खिताब ले जाएगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।